ले चलते कर्नाटक के उरांत के और जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज विकास मंडल के पदाधिकारियों द्वारा किया गया कॉन्फ्रेंस का आयोजन। औराद में छत्रपति शिवाजी महाराज विकास मंडल के पदाधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज विकास मंडी की ओर से शहर के अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। औराद तहसील के गणेश्वर रोड के पास की जमीन पर भवन बनाना सही नहीं है, क्योंकि भवन तक जाने के लिए सड़क का समस्या हो रहा है, इसलिए भवन बनाना बेकार है। अगर सड़क किसी और के खेत से अवैध रूप से बनाई गई है तो ये घातक होगा। पशुपालन मंत्री माननीय श्री प्रभु वी चौहान द्वारा दी गई एकड़ जमीन की सर्वसम्मति से जाजू मराठा भवन निर्माण का निर्णय लिया गया। मोन्े ताने सभ्य सभली ट्रस्टिन कार्यकारी मंडली सदस्य सम्मति मेरे गणेशपुर रोड हिरो जमीन जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक मराठा सांस्कृतिक भवन निर्माण मान्य प्रभु चौहान पट जगह ಜಿಜಾವು ಮರಾಠ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಇದು ಸಂಭ್ರಮ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮೀನು ಟ್ರಸ್ಟಿನವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜಮೀನು ಅವರು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮೀನು 32 ಗುಂಟ ಜಮೀನು ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಹೆಸರಿದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ಮಾರಕ ಹಾಗೂ ಮರಾಠ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಮೊದಲು ಮಾನ್ಯ ಚೌಹಾನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜಿಜಾವು ಮರಾಠ ಭವನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ विकास महामंडल ट्रस्ट और अपनी बैठक में तय किया है कि आने वाले समय में गणेशपुर के बगल में जो छत्रपति शिवाजी महाराज विकास महामंडल ट्रस्ट की 32 गुंटे जमीन है, उस जमीन में छत्रपति शिवाजी महाराज सांस्कृतिक मंडल निर्माण करने का तय किया गया है. और हमारे कर्नाटक राज्य के पशुपालन मंत्री सम्मान्य श्री प्रभु चौहान जी, जिन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी खुद की जमीन सर्वे नंबर 35 में उनकी खुद की जमीन 1 एकड़ जमीन वो मराठा समाज के समुदाय भवन